अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जोरदार क्लैप। कहाँ से आप ये बताइए सबसे पहले? अब्दुल करीम है और मैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से है। कब से काम कर रहे थे आप? मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से काम कर रहे थे। अभी 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद में कितना डिफरेंस आ गया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आ गया। क्या क्या काम सीखे, क्या सिखाए यहाँ पे थोड़ा सा बताइए। बहुत कुछ काम सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। जो नॉलेज नहीं थी वो नॉलेज पूरा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम कर रहा था तो इससे पहले 10 साल से काम कर रहा था। ऐसा मिठाना काटना अहम काम आ रहा था घर को। वॉल्ट पेंटिंग में बहुत प्रॉब्लम था। वॉल्ट पेंटिंग करना ऐसा ऐसे में वोल्टेज इनपुट कितना आ रहा, आउटपुट कितना आ रहा, कितने हीट पर ऐसे काटना, ऐसे काटने पर एक बार डेट भी आता साथ साथ में अपने हाथ से डेट भी आता था। ऐसे प्रॉब्लम बहुत आ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम में था। मैं वो समय सर का वीडियो भी देखा, मैंने आपसे मुलाकात करा, एक बार इंस्टीट्यूट आके भी गया, फ़ोन ला के भी आपको देखे गया, फ़ोन करके भी दिए, फ़ोन लेके भी गया, फिर बाद में सीट बुक करने के लिए बोला, सीट बुक करा भी फिर सर। उसके बाद मैं 3 लेके आया था डबल डेकर, सर ने एक बना के दिए और 2 खुद ही मेरे खुद से बनाया था। हाथ से बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद मेरे हाथ से बनाया। जी हैंगर प्रोग्रामिंग में करके सेट बनाए। जी सर आपका तो जो बोलने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सर का हार्डवेयर का तो स्किल माशाल्लाह बहुत। अब सर तो सगीर साहब तो बहुत फुल सपोर्ट हमारे को, जब से सॉफ्टवेयर क्लास चल रही माशाल्लाह बहुत ऐसा क्लियर सब समझ गया, एकदम पूरा जहन में बैठ गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक हैंगिंग लोगो था मेरे पास, सॉफ्टवेयर का इशू था, वो मैं वो समझा EMC का प्रॉब्लम है। जब सर को दिया, सर देखे चेक करे, अब उसको पोर्ट बनाने का भी नहीं मालूम था अपने को, वो पोर्ट बनाना कैसा हो उसका, वो डाटा 0 से जंपर लेके कैसा उसको डायरेक्ट पोर्ट बनाना। सर भी वो ट्रिक दिखे अपने को, शायद किसी को नहीं मालूम है वो। सर भी डायरेक्ट पोर्ट बना के फ्लैशिंग करे अल्हम्दुलिल्लाह, फोन भी आना तो सोच क्या है मिला अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप इतने 10-12 साल से काम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं दुकान में, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आप भी 10 साल से कर रहे थे, अब 20 दिन में इतना डिफरेंस आ गया। आप अगर यही चीज अगर आप पहले सीखते, अगर 4-5 साल पहले, तो बहुत कुछ अच्छा फायदा रहता। अभी बहुत लेट कर दिया, लेट हो गया। तो सोच क्या है मिला सेटिस्फाई है कि नहीं? बहुत कुछ। इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह में, गुजरात में, आप यहाँ पे हैदराबाद में क्यों, क्या अलग लगा, डिफरेंस क्या लगा? बहुत कुछ वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब में देख के, एक्चुअली काम मैं वीडियो देख के करता था काम। अब मैं आने के बाद यहाँ देखा, मैं आपकी क्लास में बैठा 2 घंटे बैठ के गया, जीनियन लगा आपकी बातों से, आपकी जो क्लास बोल रहे हैं आप, अंदाज आपका बहुत कुछ सब अच्छा दिखा मेरे को। सर का भी नेचर बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसे मैं सैटिस्फेक्शन। और जो वीडियो में पहले देखते थे कि लगता था कि जेन्युइन है कि नहीं, आज आप खुद बैठ के बोल रहे हैं। जी सर, जी तो कोई फेक वीडियो तो नहीं बनाते यहां पे? नहीं सर, नहीं सर, जो है वो सब सब जो है वो पूरा फैक्ट है सर। ठीक है, बर्दोदा क्लैप जो इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर संजीवा क्लैप। नाम बताइए सर। मेरा नाम संजीवा है। कहाँ से? हैदराबाद से हूँ। अच्छा, लोकल से ही है? लोकल से हूँ। तो सर आप लोकल वालों का भी, लोकल को भी लेते हैं सर, पूरा ऑल ओवर इंडिया का भी लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सेम सिटी से तो नहीं आना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर बैच में एक बच्चा आपको हैदराबाद का लिखेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि लोकल में पढ़ाने का, मैंने ये देखा है कि काफी बंदे नहीं पढ़ाते, उन्हें ये लगता है कि अगर हम स्टूडेंट को नहीं सिखा पाए तो फिर वो बवंडर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से सर, कोई भी बच्चे आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। चलिए, वो तो यही बताने वाले। सर आप कितने टाइम से काम कर रहे थे? सर मैं तो पहली बात एक बात बोलना चाहता हूँ। जी सर, सबको धन्यवाद हैदराबाद फोन फिक्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि हर मास्टर, हर टीचर एक मास्टर के बराबर है। यहाँ पे 4 मास्टर से, बेरोज सर, सागर सर, सगीर सर और टॉपिक सर, बिल्कुल इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने टीचरों को सम्मान दिया, और टीचर को सबको ही सम्मान देना चाहिए, हर स्टूडेंट को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी, अगर किसी टीचर के से मैं, अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ाऊँ तो देखो वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक राह दिखाई है कि बेटा तेरे को इस लाइन पे चलना है।
अब उसके आने वाले टाइम में हो सकता है, क्या पता मेरे आने वाले टाइम में टीचर भी हो सकता है चेंज हो जाए, मगर एक जो वो गुरु होते हैं जो शुरू में हमें राह दिखाते हैं, हम चलते तो उसी के ऊपर है ना। तो आप कितने टाइम से काम कर रहे थे सर? सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से काम कर रहा था। और ये 10 साल में मैं एक्चुअली आखिरी एंड पे ऐसा आ गया था मेरे को, मैं ये फोन नहीं बन सकता एक्चुअली, यूज एंड थ्रो समझता था फोन। अच्छा अच्छा अच्छा। जब से मैं आपके वीडियोस, फेरोज सर के वीडियोस मैं जब से देख रहा हूँ, हाँ फोन में इतना नॉलेज हो सकता क्या बोल के सोचता था। एक साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ था फोन फिक्स के लिए आने के लिए। ओके। जब से कहीं क्यों, तो मेरा फैमिली है बिल्कुल, वो सब सोच के जब मेरे को मैं वीडियो जब देखता था फोन पिक्स के, तो जब मेरे को मालूम हो रहा था फोन इतना डीप नॉलेज है यहाँ पे फोन में, फोन में इतना नॉलेज पा सकते हैं अपन बोल के, मेरे को वो कॉन्फिडेंस आने से मैं फोन पिक्स को आया और फुल्ली कॉन्फिडेंस हूँ। फोन पिक्स का हार्डवेयर रहने दो या सॉफ्टवेयर रहने दो, स्केमेटिक बैकग्राउंड रहने दो, ए से लेके जेड तक पूरा आपको फोन पूरा डैमेज भी हुआ तो आप बना के दे सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस यहाँ आए बाद मेरे को आया है। और बहुत बहुत धन्यवाद सब टीचर्स के लिए। और अगर आपसे कोई शॉप पे जाके अपना फोन रिपेयर कराना चाहता है या पर्सनली कोई रिव्यू लेना चाहता है तो आप अपना शॉप का एड्रेस बताइए, ताकि काफी भाइयों को ये लगता है हमने बिठाया होगा, शायद मैंने बिठाया होगा, ये कोई फेक वीडियो रहने वाली है। भाई मैं शॉप का एड्रेस इसीलिए ले रहा हूँ जिससे कि आप इनकी शॉप पे जाके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो सर आप शॉप बताइए। मेरा जयहनुमान मोबाइल्स है। ओके। और हैदर शाह कोर्ट में है, तेलंगाना से आगे और तेलंगाना में है, कंडीपेट के रोड पे है एक्चुअली। और मैं सभी व्यूअर्स को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा मैकेनिक बनना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, किसका नौकरी करना नहीं है, खुद के पैरों पे ठहरना है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन होइए। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 1-20 दिन में आपको कैसा इंप्रूवमेंट मिलता आप देखिए लाइफ में, और आपके पैर पे आप ठहर के आप ये 4 मास्टर को याद कर लेंगे लाइफ में, ये छे हमारे सर, ये छे हमारे गुरु बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिस्टर एस के रेहान, आपने बारे में बताइए कि आपका कैसा सफर रहा है सर? आसानी से कर सकते हैं। तो पहले ये काम नहीं कर रहे थे, रिटर्न जा रहा था, डबल टेकर वगैरह जो भी आपकी शॉप पे पहले काम आ रहा होगा तो वो आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो रिटर्न ही वापस देते थे। तो अब इससे ये कि वो आप काम करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो होगी, जो आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में अमाउंट भी दिया है, आप वो भी चाहेंगे कि मेरा जल्द से जल्द रिकवर हो, तो उसके लिए आपको यहाँ से जाने के बाद मेरे हिसाब से तो पहले 2-3 महीने आपको प्रैक्टिस और करनी चाहिए, ताकि आपके आस पास में कोई भी हो तो आपके जैसा टेक्नीशियन ना मिल पाए किसी को जो पूछ पूछ कर आपके पास आए, मगर उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सपोर्ट वगैरह बहुत से अच्छा है सर, और जो बोल रहे हैं सही से इजी वे से समझा रहे सर। और टीचर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सभी से अच्छा है सर, इजी वे में समझा रहे और पीछे से मूविंग भी दे रहे सर। ओके। जो गलत हुआ आसानी से स्टेप बाई स्टेप करवा दे रहे सर, और समझा भी। ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद इशराक, इशराक के लिए ग्लैर ढोदर, आवाज पूरा आपके सिटी तक जाना भाई, डर डर के बात कर रहे ऐसा लग रहा है हमें, जो अपन सीखे वही बताना है। तो सर बताइए
के बारे में बताइए कैसा रहा आपका सफर। व्हाइट ट्विस्टेड ब्लैक ट्विस्टेड मेरे को निकालना नहीं आता था और फॉल पाइंडिंग में बहुत तकलीफ होती थी। कहीं आने के बाद मेरा 10 दिन के अंदर व्हाइट ट्विस्टेड और ब्लैक ट्विस्टेड क्लियर हो गया। और जब अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो 3 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 20 से 30 बॉल ज़्यादा लेने पड़ेगी और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद वो परफेक्ट हो जाएगा। और डेड वुड रिपेयर ये 90% कंज्यूम मैंने कर दिया है। अपने हाथ से किया आपने? हाँ मैंने, टीचर ने किया? नहीं सर ने, मेरे ऐसे गाइड किया, इस तरीके से मैंने किया था, मेरे सबको यही करना चाहिए। अगर आप ये सब कर लेंगे, मैं इसका रीजन बताता हूँ क्या होता है। सपोज मान के चले मुझे कार चलाना नहीं आता, मैं नई कार खरीदूंगा तो 100% में उसको ठोक दूंगा। अगर मैं वही कार 30-35 हज़ार की कोई सेकंड हैंड परचेस कर लेता हूँ तो अगर 5 बार अगर मैं उसको ठोक भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं उसके ऊपर 5 महीने प्रैक्टिस कर लूंगा तो मैं नई कार भी मेरे लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएगी चलाना जैसे बिल्कुल नॉर्मल, आग बंद करके भी उसको हम चला सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि किस टाइप से कौन सी चीज हम यूज कर सकते हैं। तो सर ये तो थी आपकी ये वाली बात, तो आप ये बताइए आप कैसे पहुंचे थे यहाँ तक? मैंने आपको भी कॉल लगाया था और फिरोज सर से और सागर सर ने यहाँ का जो स्टूडेंट था उनका नंबर लिया था और उनसे मैंने बात की थी। आपने भी मेरे को बोला था, आपने पहले मेरे को बोला कि यार फोन फिक्स हैदराबाद में चले जाओ। आपके बात होने के बाद मैं भी यहाँ पे आया था और यहाँ पे डेमो लेने के भी लिए मैं आया था दिसंबर में। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। तो आप सेटिस्फाई थे? पहले आपने सोचा कि मैं यार अपने आप आंखों से जाकर देखूंगा उसके बाद ही मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आए सर, आकर 3 दिन रहे, 2 दिन बैठे क्लास में देखे। अच्छा, मैं उनको फिर वापस जाके फिर अगले बैच में बुक करके 2 महीने बाद वापस आए। बहुत अच्छी बात है। देखो गुजरात के अंदर भी ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूट नहीं है, गुजरात के अंदर भी काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मगर ये कि फोन फिक्स HYD जो है वो हैदराबाद के अंदर आपको मिलने वाले हैं और उनका क्या रिजल्ट होता है वो आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही है। ये जो स्टूडेंट है ये गुजरात से हैं और इन्होंने जो यहाँ पर आकर सीखा है वो, तो सर आपने जो अपन बताया था कि आपने फोन रिपेयर किया तो उसके अंदर आपने डुअल टेकर वगैरह बनाया कुछ? डुअल टेकर मेरे पास था नहीं, लेकिन डुअल टेकर में प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस की? डुअल टेकर अभी संडे भी दिया था। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भाई इस वीडियो को गुजरात से देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। गुजराती में बोलो थोड़ा सा, जेने पण सिखवा हो या आवी सके जे। हां सारे से कोई टेंशन वाली बात नहीं, आवी समझते। और अगर गुजराती मतलब गुजरात में अगर आसपास में कोई शॉप है, देखो मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से आपका भी देखो काम थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, तो अगर आसपास में कोई भाई जो जिस कंडीशन में आपके, अगर कोई भाई उस कंडीशन में अपना काम रिटर्न देते हैं वो आपके पास अगर लेकर आना चाहते हैं तो आपकी शॉप का एड्रेस क्या रहेगा? मेरा नया शॉप खुलेगा। ओके, और उसका नाम फोन फिक्स से ही रखने वाला हूं। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जब भी आपकी शॉप ओपन हो जाएगी आप मुझे एक अपनी शॉप की छोटी सी क्लिप बना के शेयर करना विद एड्रेस के साथ, मैं अपने YouTube चैनल पे डाल के आपको प्रमोट करूंगा जिससे कि आपके इलाके के अंदर का जो काम है वो आपके पास आए। इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे। खाजा मोइनुद्दीन, खाजा के लिए कदम अनंता, लैब्स अनंता के लिए। तो सर आप बताइए अपने सफर के बारे में बताइए कुछ। मैं महाराष्ट्र जानना चाहिए। पहले मैं 4 दिन शॉप पे मैं कॉम्बो बेटा था। ओके, कर इसके बारे में कंपोनेंट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था कि आने के बाद फुल सपोर्ट मिला। उसके बाद आगे चल के सर सपोर्ट करेंगे, कोई आना होगा महाराष्ट्र से तो बिल्कुल आ सकते। आपके मन में कोई डाउट रह गया हो कि यार मेरे को आज यहाँ पर 25 दिन या 20 दिन हो गए, मेरा वो कोई भी होता है एक मन में कि यार मेरा वो चीज़ क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं? जो मैं 10 साल से शॉपिंग, मैंने कभी आज से रिवॉल्व नहीं की थी, नहीं करी, दिन में सीख गए
नए फोन के अंदर बनाए तू नए फोन तुम्हारा फोन बनाए फोन भी बनाए कुछ चालू बोर्ड क्या ऐसे निकाल के रिवॉल्व करके ऐसे डाउन हो गए सपोर्ट अच्छा है सब अच्छा उसका डिस्प्ले लिंक होता था ब्लू पट्टी नॉट फाइव प्रो वो भी बनाया दो फोन बने उसकी कॉइल का प्रॉब्लम था उसी तो जाके काम कर लेंगे ना पेशेंट ऐसे हो या जो भी हो ऐसे मैं स्क्रैप बोर्ड की थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा दो तीन महीने उसके बाद एकदम रिजल्ट आ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको लाइफ में भी कभी जैसे कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फोन फिट हमेशा आपके लिए खुला है आप जब मर्जी आ सकते हैं दो दिन चार दिन के लिए रहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ एक टिकट का अमाउंट लगना है आपका जो भी आने जाने का होगा रहना तो आपको यहाँ पर हो ही जाएगा सपोर्ट एकदम अच्छा है सर हेल्प भी करते जैसे अभी आपने मुझे सपोर्ट के बारे में बताया सपोर्ट पीछे से जैसे कई स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं जो तो आपको वो दिखते हैं कि सब मतलब सर सपोर्ट करते हैं उन्हें या नहीं करते वो नहीं करते करते हैं तो जैसे उन्हें सपोर्ट करते हैं उसी तरह से इसके पहले दो तीन स्टूडेंट तो मैंने महाराष्ट्र के उनसे पहले पूछा हैदराबाद ओलंपिक से सीख के गए वाले थे अच्छा बिल्कुल चले जाओ अच्छा रिजल्ट आपके चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो रिजल्ट जब पीछे से स्टूडेंट ही अगर रिजल्ट देते हैं तो इससे अच्छा तो उसके अंदर तो देखो मैं भी क्या करूंगा उसके अंदर जब ये रिजल्ट स्टूडेंट को दे रहे तो बहुत अच्छी बात है ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो होता है एक भरोसा होता है कि आपस में एक चैन होती है जो कि भरोसे से चलती है बहुत अच्छी बात है तो आपकी शॉप है कहाँ पर एड्रेस बता सकते हैं आप मतलब अगर आपकी शॉप पे कोई आना चाहता है मोबाइल रिपेयर कराने के लिए अपना तो कहाँ आएगा वो तो भाई अगर आपका मोबाइल खराब है या आप अपना काम रिटर्न देते तो सर के पास आप अपना काम लेकर जाए जिससे कि आपकी भी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी और सर की भी इनकम उसके अंदर थोड़ी सी बढ़ेगी देखो आपस में एक ये चैन होती है जिससे कि एक दूसरे से हम सब चल रहे हैं तो इसी तरह से सर से मिलके भी बहुत अच्छा लगा चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं देखते हैं और आगे देखने के लिए क्या मिल रहा है शेख अजहर अली अजहर अली अजहर अली के लिए मैच करने वाले अजहर अली कुछ करे नहीं क्या तुम भैया भेजो बैठे चलते नहीं क्या जाओ भाई मिस्टर साकिर साकिर के लिए साकिर बताइए 20 दिन का सफर कैसा रहा आपका कहाँ से है आप जालना आप भी महाराष्ट्र से हैं मराठी में बोलेंगे हिंदी में बोलते हैं ठीक है तो कब से काम कर रहे थे आप चार साल से काम कर रहे थे अभी 20 दिन के बाद में कैसा फील हो रहा पहले में अब में 4 साल से जो काम कर रहे थे आप अभी कितना डिफरेंस आ गया अच्छा डिफरेंस अच्छा लग रहा है कोई आना चाहे अगर से महाराष्ट्र से उनको क्या बोलना चाहिए बिंदास आ जाए जो सोच के आए थे मिला उससे ज्यादा मिला ये होता है दिल से बात बोल रहा है ये क्योंकि छोटी छोटी चीज को अपने को थैंक्स देना चाहिए ऊपर वाले को जितना मिला क्योंकि उससे और ज्यादा देगा ऊपर वाला अपने को क्योंकि जितना भी हम सीखते हैं उसका हमको थैंक्स करना चाहिए क्योंकि आप पहले सोच के यहाँ तक आए ये भी बहुत बड़ी बात है बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई है 10-10 साल से बैठे हैं काम वापस जा रहा है सिर्फ हीट मार रहे हैं क्या भाई हीट मार रहे हैं या तो फिर वापस सेट दे रहे हैं या किसी और को लेके जाके दे रहे हैं तो आधा तो इनकम वैसे भी जा रहा है कोई आना चाहे तो क्यों फोन फिक्स आए क्या डिफरेंस है दूसरे इंस्टीट्यूट से यहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट से अच्छा है मैं पहले फोन लगा के बात कर रहा हूँ बेड़े समीर का बेड़े उससे बात कर रहा फिर आए दूसरे स्टूडेंट से आप बात करें उन्होंने यहाँ पे ही रिफर करें तो ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी बात है और ये सब आप लोगों के सपोर्ट से ही दूसरे बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं आके काम सीख रहे जाके अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे एक बार समीर के लिए और जो इनको रिफर करें उनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैप
चिन्ना केशव। चिन्ना केशव लोग इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप। सारे जन ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ విన్నారో దాని తర్వాత అది అర్థమైంది దాని తర్వాత ఎవరైతే ఇక్కడికి ఎవరన్నా ఇక్కడికి రావాలనుకుంటే వాళ్ళ కోసం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడికి రావచ్చు సాగర్ సార్ మంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేను దాదాపు ఒక ఫోన్ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ అడిగాను సార్ ఒకసారి కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఇట్లా అయ్యారని దగ్గర చెప్పుకుని మరీ పని నేర్పించింది ఓకే मिस्टर अल्ताफ के लिए तो जोरदार है आवाज आपके घर तक जाना तो अल्ताफ भाई कहाँ से हैं मैं कर्नाटका से हूँ कर्नाटका से कैसा रहा आपका सफर बहुत अच्छा रहा क्या 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 कर रहे थे आप यहाँ पहले अपनी शॉप पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अच्छा अच्छा एकदम फ्रेशर हूँ ओके इधर आया था सब कुछ सीख रहा है तो यहाँ पे आपने क्या क्या किया जैसे मैं यहाँ पे सब पहले से बेसिक से चालू किया ओके अभी तो ब्लैक फिशर ऊपर में डबल डक्कर भी बनाने तो जब आप आए थे पहले चार्जिंग पिन निकालना सर बैटरी कनेक्टर सिखाते कि नहीं पूछ रहे थे हाँ पूछ रहा था फर्स्ट अभी इतना 20 दिन के अंदर क्या लेवल के ट्रेनिंग पे आ गए आप कितना साल का एक्सपीरियंस समझते हैं चार्जिंग पिन माइक वगैरह सब कर लेता हूं और सॉफ्टवेयर में तो कौन सा भी ईएमआई यो हमारा यूएफआई बॉक्स इजी से लाइक दोनों लाके तो दोनों बना के देता हूं क्या बात है दोनों ये होता है कॉन्फिडेंट भाई प्रेशर है लेकिन समझ में जितना साइलेंटली समझे तो उनका रिजल्ट ऐसे ही निकलता है अभी जाके काम करेंगे तो और अच्छा आगे जाएंगे और बिल्कुल बस ये कि जैसे जैसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप सपोर्ट ले सकते हैं इनसे सर से और सपोर्ट के लिए अगर आप यहाँ आप तो बिल्कुल पास से ही है अगर फोन लेकर भी अगर अपने आप बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं कोई भी हेल्प चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से सीख कर जा चुके हैं उसका कोई एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे आने वाले टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेचते हैं यहाँ पर आ सकते हैं कोई आना चाहे उनको क्या बोलना चाहेंगे आप जरूर आइए जरूर आइए कब से कब तक क्लास हो रहा है थोड़ा वो भी बता दो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे 9 बजे तक क्लास होगा और यहाँ से जब आप 9 बजे घर शॉप मतलब वहाँ चले जाते हैं हॉस्टल पे उसके बाद भी क्लास वगैरह होती है उसके बाद में रात में सगे सर है हमारे और रात में आके क्लास लेते हैं और हमारा और मेरा दिल से शुक्रिया है सगे सर को सगीर सर ने मेरे को बाजू बैठा के पूरा ए टू जेड सिखाया ओके सर ने मेरे को सामने बैठा के सब पूरा और मेरे हाथ से भी करवाया मैं सगीर सर और तौफीक सर को कभी नहीं बोलूं फिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ से जाने के बाद भी सॉफ्टवेयर के लिए आपको टीम वर्क से भी हम सपोर्ट करेंगे कुछ भी अगर इशू होगा तो आगे चल के भी हम सपोर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग हो या कुछ भी हो छोटा सा प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट करते हैं आपको रिप्लाई देते सब देते हैं क्योंकि आप फ्रेशर है देखने वालों को लग रहा होगा कि इतना सब कुछ आप काम सीखे यहाँ पे
ये फेक तो नहीं है कोई? नहीं नहीं कुछ भी फेक, इतने सब लोग है साथ में भाई, ये फ्रेशर है ना भाई, अभी तो नहीं है फ्रेशर, तो दो चार साल वाले टेक्नीशियन मानते हैं आप, आईसी वगैरह तो लगा लेंगे ना सर? कंग्रेचुलेशन।